नमस्ते दोस्तों, आज हम बढ़िया गांव वाली आलू बनाए हुए, बढ़िया चटपटी आलू। वही के लिए सबसे पहले मसाला पीस लिए है। मसाला में खड़ी धनिया है, नमक है, लहसुन है, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और दो खटाई ले लिया है। ये आम की सूखी खटाई है, अगर खटाई नहीं है तो आम चूर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का यूज कर सकते हैं। अब हरी धनिया पत्ती डाल दिए है, अब पीस लिए है चटनी। इस तरह से आलू बनाई हो तो बहुत ज़्यादा निक लगती है, आलू बहुत टेस्टी बनती हैं। बढ़िया सा पीस लिए का बिना पानी डाले, बहुत आसानी से पीस जाता है। बिना मसाले किस तरह से चटनी वाले आलू बने हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लागत हैं, बहुत अच्छे लागत है। आलू ऐसे ही खा सकत हैं, ये आलू इतना अच्छा लागत है कि चाय के साथ खा सकत हैं, बहुत अच्छी आलू बनती हैं। देखिए इस तरह से पीस लेना है। ये चटनी आलू ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। पीस चुकी है, अब इसको निकाल लिए खाई कटोरी में। देखिए बढ़िया से चटनी पीस चुकी है। ये चटनी पराठा, रोटी, पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। अब उबली हुई कटी आलू ले लिए खाए। कढ़ाई हम बढ़िया से सरसों का तेल डाल दिए खाए, तेल का गर्म हो जाए दिए खाए। अब थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और वही चटनी डाल दिए खाए। थोड़ी देर भून लिए खाए चटनी। ऐसे तो आलू की सब्जी बहुत खाए होंगे आप लोग, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी आलू लगती हैं, सबका बहुत पसंद आई है। अब आलू डाल के बढ़िया से चलाए दिए गए। ये चटपटी आलू खाए में बहुत ज़्यादा नीकी लगती हैं। अब एक बार ढक दिए गए और धीमी आंच में पकाए लिए गए। अब फिर चलाए दिए खाए। फिर एक बार ढक दिए खाए। अब फिर चलाए दिए खाए। आलू बनके बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा कल्हार दिए खाए। ये आलू खाए बहुत ज़्यादा नीकी लगती है, इनका रोटी पराठा चाय किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती हैं आलू। बिना मसाले के आलू बहुत अच्छी लगती हैं ये। अब थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिए खाए, इससे और चटपटी आलू हो जाती हैं। नींबू बीज गिर गवा होकर निकाल दिए खाए। आलू बनके तैयार हो चुके हैं, अब इंडक्शन बंद कर दिए खाए। देखिए कितनी बढ़िया चटपटी आलू बनके तैयार हो चुकी हैं और बहुत सिंपल तरीके से बनती हैं आलू, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी आलू। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो।